केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय कोटे के तहत नेट में यूजी में एवं पीजी दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग को 27% तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण मंजूर कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय को बालाघाट सिवनी सांसद ढालसी बिसेन व भाजपा पदाधिकारियों ने ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। अभी तो हम लोगों को जितना ये पता चला है कि ओबीसी महासभा और जितने लोगों के मांग थी उसको किसी मांग के आधार पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, किसी की मांग के आधार पे नहीं, हमारी जो भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनने एक ओबीसी को एक कुछ ना कुछ ऐसा देना था कि जो बहुत सालों से 1931 से लोगों ने, कई सरकार आई कई सरकार चले गई, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। तो इस मामले में हमने देखा कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी थी और 27% इसलिए हमने चिकित्सा के आधार पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हमारे ओबीसी के बने और ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के, ऐसे करके हमारे भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दी है। और हम नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं इस चीज़ के लिए और कि उनने बहुत अच्छा फैसला है उनका, और ये फैसले से आने वाले समय में जितनी लोगों को आवश्यकता होती है डॉक्टर की, वो पूर्ति करने में हमारा कहीं से कहीं ना कहीं लक्ष्य पूरा होगा। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की जो घोषणा की गई है, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज ऐसे पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में आरक्षण की सुविधा बढ़ाई गई है। और ना केवल अभी तो पिछड़ा वर्ग के ही, इसके साथ साथ जो हमारे सामान्य वर्ग के जो गरीब छात्र हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। निश्चित रूप से छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए और मेडिकल के छात्रों के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा कि आज उनका आरक्षण बढ़ाया गया। इस अवसर पर मैं पिछड़ा वर्ग की ओर से, छात्रों की ओर से, अपनी ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने छात्रों के हित में ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेकर के पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए बहुत बड़ा देश हित में निर्णय लिया है, बधाई की वे पात्र हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।